इधर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी डिस्प्ले है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरफ डिस्प्ले है, देखो ये डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले है, तो यहाँ से भी दिखता रहता है। हाँ सर ऑन है, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, आपकी नहीं आएगी, सबसे बड़ी बात है आप लोग हमारी सेफ्टी के लिए, और आपने भी अपनी सेफ्टी कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं। ओके थैंक यू यार, मतलब कितने लोग हैं ऐसे भी है, मतलब मिलते हैं यार, जैसे मैंने आपको बताया था एक बाइक वाले, अब यहाँ पर गार्ड साहब मिल गए हैं, तो पार्किंग हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं अक्षय शर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, आज का व्लॉग मेरा मोटो ब्लॉगिंग के ऊपर है, मेरा फर्स्ट व्लॉग है मोटो ब्लॉगिंग के ऊपर। तो आज मुझे थोड़ा काम था, मुझे पासपोर्ट ऑफिस जाना, कॉल आई थी मेरे पासपोर्ट ऑफिस से मुझे, तो मुझे जाना पड़ रहा है। हाँ तो चलते हैं, राइड बुक करेंगे अब, इंजॉय, तो बने रहिए हमारे साथ, तो चलते हैं। साढ़े दस ग्यारह बज रहे होंगे और काफी धूप है, एग्जैक्टली मुझे टाइम नहीं पता कि टाइम क्या हो रहा है, एक अंदाजा लगा रहा है, क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस जाने से पहले मुझे थाने जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ भी मुझे थोड़ा काम था मेरी वेरिफिकेशन वगैरह के चक्कर में, तो इसी चक्कर में लग रहा हूँ यार। तो आज धूप काफी और सुबह से बहुत थका हुआ हूँ, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी रात को, आपने देखा होगा रात का व्लॉग के मैंने रात को एक व्लॉग अपलोड किया कि एक भाई की बाइक लेने गए थे, दोस्त है अपना, तो उसकी बाइक लेने गए थे हम, तो हम नहीं ले पाए, इस वजह से आज पूरा थका हुआ था कल का पूरा दिन, तो सुबह सुबह जल्दी तैयार हुआ और निकला मैं, और सुबह भी इतनी तेज धूप है यार काफी, और ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है, समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या। कैमरा भाई, मोटो ब्लॉगिंग करता हूँ मैं, चैनल है मेरा यूट्यूब। अभी एक भाई ने मुझसे पूछा कि मतलब मैंने कैमरा लगा रखा था, तो रेड लाइट पे खड़ा था, तो भाई ने पूछा भैया आप हेलमेट में क्या लगा रहे हो, मैंने बोला भैया कैमरा पे क्या कर रहे हो, फिर उन्होंने बताया कि मैं मोटो ब्लॉगिंग करने मतलब मोटो ब्लॉगिंग करता हूँ, यूट्यूब पे चैनल है मेरा, तो बोले अच्छा यार, मतलब कई बंदों को पता नहीं है कि हेलमेट पे क्या लगा रहा था क्या नहीं, इसी कारण मतलब बहुत अजीब सा रिएक्ट करते हैं लोग। बाकी मैंने लिया छोटा शॉर्टकट, और इस शॉर्टकट से कम मेरा 10 से 15 मिनट का समय बचा, नहीं तो यार 10-15 मिनट फालतू के बेकार हो जाते मेरे आज यार। है तो ये रोड सिंगल लाइन, बाकी इधर ना मतलब जिधर से मैं आ रहा हूँ ये GTB रोड बोला जाता है इसे, और यहाँ पर मतलब जो कार वगैरह में साउंड सिस्टम होते हैं वो भी लगाए जाते हैं, कार मॉडिफिकेशन का भी सामान मिलता है, दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, आगे है वो जगह, काफी अच्छे रेट पर होया था, क्योंकि हमने एक बार अपनी गाड़ी है में कराया था, तो ये देखो इधर दिखाता हूँ मैं आपको, हाँ होता है सारा काम। एक तो छोटी मार्केट है यहाँ की, मतलब जाए दूर नहीं यार, कौन करोल बाग जाए, आपको पता करोल बाग मार्केट में जाने में टाइम भी लगता है, और रोड पे जाम वगैरह भी काफी होता है, तो इस कारण कोई अगर नहीं जा पाता तो यहाँ भी आ जाता है, अच्छे रेट है यार, 100-200 रुपए का फर्क होता है, कोई दिक्कत नहीं, इतने का तो इंसान का पेट्रोल फूक जाता है, आप लोगों को पता है, और टाइम भी वेस्ट होता है, पेट्रोल मैटर नहीं करता बाकी टाइम मैटर करता है, क्योंकि करोलबाग जाने के लिए आपको पूरा दिन चाहिए, और यहाँ पर आ जाओ 2 घंटे से भी कम में आपका काम हो जाएगा। और आज मेरा आने का मन नहीं था, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था काफी, और धूप भी यार बहुत ज्यादा है, मेरा मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी आने का कि मैं आऊं, पर फिर भी यार क्या करें, हम काम है, और ये काम मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट काम है, इसके लिए मुझे सब कुछ करना पड़ेगा, तो कोई यार नहीं यार, कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
आप मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में मैं अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा। क्योंकि अगर जैसे अगर मैं बाई चांस मेरा बाहर का हो गया तो बोलता नहीं, मैं सिंगापुर जाऊंगा तो मैं आपको सिंगापुर घुमाऊंगा, वहाँ के हर चीज़, मतलब बीच हो गए और काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ घूमने के लिए। ऐसा है, भाई है, एक रिश्तेदारी में बड़े भाई हैं, तो वो गए हुए हैं सिंगापुर, वो मुझे पिक्स वगैरह भेजते हैं वहाँ का, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, तो आप लोगों को घुमाऊंगा। तो वहाँ सिंगापुर घूमने के लिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको हमारी नई नई अपडेट्स मिलते रहे। दोस्तों ये रास्ता थोड़ा घुमा दिया, क्योंकि वहाँ काम चल रहा है फ्लाईओवर के नीचे, किसी चीज़ का पता नहीं मुझे कि क्या काम है, तो अब हमें घूम के जाना पड़ रहा है काफ़ी। कोई नहीं, घूमेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों मैं आ गया हूँ आनंद विहार, तो इस तरफ है मेरे राइट हैंड पे रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन, और इस तरफ है बस स्टैंड, जैसे कि आप देख रहे हैं रोडवेज वगैरह जो बस होती हैं उनका है, और बहुत काफ़ी भीड़ है यार, ऊपर देखो कितनी भीड़ है, ऊपर भी भाई बहुत भीड़ है यार, यहाँ तो काफ़ी भीड़ है। तो अब रास्ता देखेंगे किधर को है, क्योंकि यार यहाँ का ना रास्ता भी बहुत अजीब है, मैं पिछली बार आया था ना तो काफ़ी दिक्कत हुई थी मुझे रास्ता ढूंढने में, क्योंकि मुझे रॉन्ग साइड ही जाना पड़ेगा शायद, ऐसा लग रहा है कि पिछली बार मुझे रॉन्ग साइड भेजा था, तो नहीं रॉन्ग साइड नहीं, अब मैं इधर से निकल जाऊँगा फुल राइट रास्ता में, तो पिछली साइड में पिछली बार मैं उधर वाली साइड से आया गया था, तो फिर रॉन्ग साइड से होकर फिर उधर मैंने सड़क पार की थी। काफ़ी यार जाम है, काफ़ी कौसाम्बी की तरफ है, अच्छा आगे जाके राइट हो जाऊंगा तो कौसाम्बी की तरफ और स्टेट में गाजीबाग की तरफ, तो आप लोगों को पता है कि नए रास्ते पे जाना एक्चुअली क्या है मेरे लिए नया रास्ता है, क्योंकि मैं जानता नहीं था। पहली बार जब मैं पासपोर्ट बनवाने आया था तो काफ़ी दिक्कत हुई थी मुझे, मैं बड़ी पूछ पूछ के गया था, पुलिस वालों से पूछा, ऑटो वालों से पूछा, किसी ने बोल दिया आगे चले जाओ, किसी ने बोला पीछे चले जाओ, बहुत दिक्कत हुई थी मुझे उस टाइम पे काफ़ी। तो आई थिंक यहाँ से लेफ्ट होना, हाँ यहीं से लेफ्ट होना मुझे, यहाँ से होंगे लेफ्ट यार, आते हुए पियेंगे गन्ने का जूस, क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत, अभी नहीं पी सकते, टाइम हो रहा है काफ़ी, जल्दी मुझे पहुँचना है वहाँ पर, जल्दी ख़त्म हो तो अपना काम, अच्छी बात है। यहाँ से 200 या 300 मीटर या 400 किलोमीटर चलकर, मतलब 500 मीटर चलकर मेरे राइट हैंड में पड़ेगा पासपोर्ट ऑफिस, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि पासपोर्ट ऑफिस की बिल्डिंग कैसी है। भाई थोड़ा इधर उधर देख लिया करो यार, बताओ यार कैसे कैसे लोग हैं बीच रोड पे सड़क पार कर रहा है, इधर उधर देखते हुए फिर गलती, या बाइक वालों की हो, बाइक वाला होता जैसे मैं हूँ, या कोई ऑटो वाला होता उसकी गलती निकाल देते हैं, क्या यार लोग कैसे कैसे हैं बताओ, इन भाई को देखो पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं यार दुनिया के अंदर, और भी अच्छा होगा। और इधर है मेरा पासपोर्ट ऑफिस, मैं आ गया हूँ पासपोर्ट ऑफिस, ये बिल्डिंग पासपोर्ट ऑफिस की है, तो आगे से लेंगे हम यू टर्न आगे से, और यू टर्न लेकर जाएंगे मतलब, तो आप लोग देखो मैं दिखाता हूँ यूपी का पासपोर्ट ऑफिस, अब यहाँ से लेंगे हम अंदर। तो अभी तो मुझे आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करना, क्योंकि वो मैंने डिलीट कर दिया था, तो अभी सर से कराएंगे हम चेक, सैनिटाइजर वगैरह चेक वगैरह कुछ करना है तो कर लो आप। हाँ हाँ सर कैमरा है सर, मैं यूट्यूबर हूँ ना, यूट्यूबर हूँ मैं, यूट्यूब पे वीडियो बना के डालता हूँ मैं, मोटो ब्लॉगिंग करता हूँ, आपने देखा होगा। हाँ पासपोर्ट ऑफिस, अच्छा अच्छा कोई नहीं, होता है सर कभी कभी, चलो कोई नहीं, थैंक यू। हाँ जी सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी डिस्प्ले है, मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरफ डिस्प्ले है देखो, ये डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले है, तो यहाँ से भी दिखता रहता है। हाँ हाँ सर ऑन है, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, आपकी नहीं आएगी, सबसे बड़ी बात है आप लोग हमारी सेफ्टी के लिए, और आपने भी अपनी सेफ्टी कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं, ओके थैंक यू। यार मतलब कितने लोग हैं ऐसे भी है, मतलब मिलते हैं यार, जैसे मैंने आपको बताया था एक बाइक वाले,
अब यहाँ पर गार्ड साहब मिल गए हैं तो पार्किंग लगेगी, यहाँ पार्किंग लगेगी ना। हाँ तो आप कर दो दोस्तों। भैया ने कर दिया पेटीएम लेने से बिल्कुल इनकार। मेरे पास पेटीएम है और पार्किंग के देने हैं, कैश कैश मेरे पास है नहीं, तो पार्किंग के अंदर करते हैं। चलो बाइक खड़ी, सेटलमेंट हो गया वैसे भैया से, भैया बोल रहे हैं कोई नहीं आप अपना काम निपटाओ और यहीं पास में एटीएम है, एटीएम से निकाल लेना। तो मैं एटीएम से निकाल लूंगा, बाकी लगाता हूँ मैं अपनी बाइक पार्किंग में यहाँ पर। तो चलिए, तो दोस्तों बाइक लगा दिया मैंने यहाँ पर, तो चलते हैं अंदर। यार मेरे साथ कई बार हो चुका है ऐसा कि मतलब जैसे इन भैयों ने पूछा मुझसे, गार्ड भैया ने, कि भैया क्या है ये कैमरा वगैरह। कुछ लोगों को नहीं पता यार, क्योंकि पहली बार देखते हैं यार, किसी को नहीं पता लगता। कोई नहीं, पर बाकी भैया अंदर ही अंदर खुश बहुत हो रहे थे। जैसे भैया को पता लगा कि मैं भैया यूट्यूब पे जाएगी ये वीडियो, तो खुश हुए जैसे कि आपने देखा। तो अब चलते हैं लिफ्ट की तरफ बाकी, और अभी मैं यहाँ का आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि ऊपर जाकर मुझे फ़ोन अपना फ्लाइट मोड पर डालना पड़ेगा, और अंदर फ़ोन चलाने की आप लोगों को पता है ऐसा नहीं होती पासपोर्ट ऑफिस में। तो चलते हैं अंदर, मिलता हूँ मैं काम कराने के बाद। तो चलिए दोस्तों, मेरा काम हो नहीं पाया यहाँ पर। बोला है मुझे कि हापुड़ चुंगी जाने के लिए, अभी फ़िलहाल मैं लिफ्ट में हूँ तो पार्किंग के अंदर आया हूँ। अब वही जाना पड़ेगा हापुड़ चुंगी गाजियाबाद। तो अभी फ़िलहाल मुझे प्रॉपर एड्रेस इन्होंने नहीं बताया कि कहाँ पर जाना है, बस उन्होंने इतना बोला वहाँ जाकर पता लगेगा कि क्या होना क्या नहीं। तो अभी फ़िलहाल मैं नहीं जा पाऊँगा, अभी मेरा एक और काम है, पहले उसे निपटाएंगे उसके बाद उसे करेंगे। आज तो नहीं हो पाएगा, बाकी कल या परसों देखो मैं दोबारा हापुड़ चुंगी जाऊँ। तो करते हैं उस दूसरे काम को अपना क्लियर। तो चलते हैं, करते हैं राइड, आ गया हूँ मैं पार्किंग के अंदर। तो चलिए दोस्तों, मैं आ गया हूँ बाइक पे, करते हैं बाइक स्टार्ट और निकलते हैं पार्किंग से बाहर की ओर। अरे बाइक कैसे बन रही है, मेरी बाइक भी अब सर्विस मांगे, पर यार सर्विस बहुत जल्दी मांग गई मेरी बाइक तो, अभी तो कराई थी। उन भैया से लेने मुझे पार्किंग की पर्ची और देने उन्हें पैसे, क्योंकि मेरे पेटीएम में थे, उन्होंने पेटीएम से लिए नहीं। लो भैया पेटीएम पर्ची दे दो। इधर से ही निकल जाऊं, अब उल्टी जा जाना पड़ेगा। अच्छा लो, थैंक यू भैया, पर्ची ले ली है, वापसी मुड़ रहा है हमें। मैंने ली नहीं थी यार, मैंने उन्हें बोला कि भैया मेरे मतलब पेटीएम है, पेटीएम ले लो, पेटीएम इन्होंने मना कर दी। फिर मैंने अपने अकाउंट से निकाल के एटीएम से उन्हें दिए पैसे अंदर से, अब देनी है उन भैया को पर्ची, तो दिखानी पड़ेगी। तो आ गए भैया लेकर, कॉपी मेरी तरफ नहीं। लो भैया दोस्तों, हो गई है यहाँ पर रेड लाइट, सामने है मेरे नोएडा, नोएडा में आपका स्वागत है। तो हो रही है रेड लाइट, बस पता है लोग ऐसे देखते हैं कैमरा लगे हुए को, पता नहीं क्या मतलब क्या है यार, काफी मतलब बुरी तरह देखते हैं। बाकी एक बात तो है कि नोएडा से अच्छी मैं मानता नहीं, मतलब जगह है कोई नोएडा से अच्छी जगह कोई नहीं। तो रोड इतने अच्छे और काफी साफ सुथरा भी है नोएडा, बहुत ज्यादा साफ सुथरा है, एक नंबर है नोएडा, एक नंबर। तो आगे से मुझे लेफ्ट होना, फिल्म सिटी आ गई है। तो वीडियो करते हैं यहीं ख़त्म, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो नए व्यूअर्स हमें देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको हमारी नए नए अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय दोस्तों।